आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी में सैन्य शक्ति बनाकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भारतीय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। उनके पिता जानकी नाथ बोस कटक के मशहूर एडवोकेट थे और उन्हें अंग्रेजों की तरफ से राय बहादुर की पदवी भी मिली थी। एक छात्र के रूप में भी नेताजी बड़े देशभक्त थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था, जहां से उन्हें उनकी देशभक्ति की वजह से निकाल दिया गया था। वहां के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ओयटन, जिससे उन्होंने लड़ाई कर ली थी क्योंकि उसने भारत विरोधी कमेंट किए थे। फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज ज्वाइन किया, जहां से उन्होंने 1918 में फिलॉसफी में बीए की डिग्री हासिल की। उनके पिताजी चाहते थे कि वो प्रशासनिक नौकरी करें, जिसके लिए वो इंग्लैंड गए। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा, जो आज के आईएएस की परीक्षा के समान थी, उसमें 4th स्थान हासिल किया, लेकिन उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में वे कांग्रेस से जुड़े और काफी एक्टिव रहे। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वराज न्यूज़पेपर शुरू किया और चित्तरंजन दास के न्यूज़पेपर फॉरवर्ड में एडिटर भी रहे। उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें बंगाल का मशहूर नेता बना दिया और वो 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उनकी राजनीतिक सक्रियता की वजह से उन्हें 1925 में जेल जाना पड़ा। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद वो और भी एक्टिव हो गए। वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। समय के साथ उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए नामांकित किया गया। गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे, क्योंकि वो अहिंसावादी थे और नेताजी के तरीकों से नाखुश थे। इसके बावजूद 1939 के कांग्रेस इलेक्शन में वो जीत गए और कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। मगर गांधी जी से उनके वैचारिक मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। दूसरे विश्व युद्ध में जब वॉइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह फैसला लिया कि भारत और उसकी आर्मी ब्रिटिश के सपोर्ट में लड़ेगी, तो नेताजी ने इसके विरोध में आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग अंग्रेजों की लड़ाई लड़ें और अपना नुकसान करें, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। मगर जेल में 7 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद सीआईडी उनके घर और गतिविधियों पर नजर रखने लगी, मगर बोस पठान का भेष बदलकर घर से भागने में सफल रहे, जहां से वो जर्मनी गए। वो जर्मनी में हिटलर और कई मिनिस्टर्स से मिले। उनका मानना था कि युद्ध में ब्रिटिश के खिलाफ होने के कारण उन्हें जर्मनी से मदद मिलेगी। वहीं पे जर्मनी में रहने वाले भारतीयों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी। लेकिन जब जर्मनी युद्ध हारने लगी, तो वो इस स्थिति में नहीं थी कि भारत की मदद कर सके। जब नेताजी को ये बात समझ आ गई, तो वो एक सबमरीन से जापान निकल गए, जहां उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने की, जिसके बाद इसकी कमान राजबिहारी बोस ने संभाली। सिंगापुर में राजबिहारी बोस ने INA की लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दी। उस समय INA बहुत कमजोर थी, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने न सिर्फ INA ज्वाइन की, बल्कि उसे आर्थिक मदद भी दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, जैसे नारों ने क्रांतिकारियों के मन में आजादी के लिए लड़ने की चिंगारी को हवा दी थी। नेताजी का मानना था
कि अंग्रेजों से सिर्फ बात करके भारत को आजाद नहीं किया जा सकता, आजादी के लिए बलिदान जरूरी है। उन्होंने कहा था कि इतिहास में कभी भी सिर्फ बातचीत करके कोई ठोस परिवर्तन हासिल नहीं किया गया है। आयन्ने ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग छेड़ी और मणिपुर के एक शहर मोइरंग में अपना झंडा भी फहराया, मगर विश्व युद्ध में जापान की हार होने के कारण आयन्ने को जापान से हथियार, आर्मी या खाने के सामान की मदद मिलनी बंद हो गई। मदद का कोई स्रोत न होने के कारण और जापानी सरकार के दबाव में आकर नेताजी को आयन्ने भंग करनी पड़ी। कुछ दिन बाद विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद देश में कई जगह सैन्य विद्रोह होने लगे। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने बॉम्बे में विद्रोह कर दिया, जो बाद में कराची से कलकत्ता तक फैला। ब्रिटिश सरकार को यह एहसास होने लगा था कि वो इंडियन आर्मी पे अब पूरा भरोसा और कंट्रोल नहीं कर सकते। भले ही आजादी के वक्त नेताजी जीवित नहीं थे, मगर भारत की आजादी में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था।